हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो आज का दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक है वो है ड्राइंग रूम को लेकर। तो जब मान लो कि आपने मकान पहले बना चुके हो, अगर ड्राइंग रूम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब आप स्टार्ट कर रहे हो मकान, नया मकान बना रहे हो, तो ड्राइंग रूम जरूरी है या नहीं है? तो दोस्तों जितना मुझे अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम अगर आप नया घर बना रहे हो तो ड्राइंग रूम बहुत ज़रूरी है। जितना कि आपके पास किचन और टॉयलेट जरूरी है उतना ही ड्राइंग रूम जरूरी है। तो आज के टाइम ड्राइंग रूम क्यों जरूरी है उसका मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों आज के टाइम जैसे मान लो कि आपकी मार्केट के अंदर शॉप है, या आप लोग कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हो या प्राइवेट जॉब के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर आपके दोस्त बन जाते हैं। तो वो दोस्त मान लो कि आपके घर पर आते हैं जो कि आपके सिर्फ आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर को वो नहीं जानते। तो हम उन दोस्तों को क्या कि हम लोग सीधा ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। ड्राइंग रूम का मतलब ये है कि जिसका एक दरवाज़ा हमारा घर का जो मेन डोर होता है उसके बाहर खुलता है और एक दरवाज़ा घर के मेन डोर के अंदर खुलता है, तो उसे हम ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो कि आपके मार्केट का जो दोस्त है वो आपके घर पर आ रहा है, तो हम उनको ये तो है ना कि सीधा बेडरूम में लेके जाएंगे, उनको वहाँ पर बिठाएंगे या लिविंग एरिया के अंदर लेके जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ड्राइंग रूम को अंदर बिठाते हैं, वहीं से उनकी जो भी है चाय पानी सेवा करते हैं और वहीं से उनको वापस रवाना कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि क्योंकि देखो घर के अंदर जा हर किसी अननोन आदमी को हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। पता नहीं चलता कि वो बंदा कैसा है, कैसा दिखने में अच्छा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा अच्छा ही हो बंदा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के टाइम में ड्राइंग रूम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर दोस्त आए तभी आप उनको ड्राइंग रूम बिठाते हो, या अगर कोई रिश्तेदार आए तो हम उनको लिविंग एरिया में लेके जाते हैं। नहीं, हम उनको भी ड्राइंग रूम के अंदर ही बिठाते हैं। इसका कारण ये है कि ड्राइंग आज के टाइम जो भी मेहमान वगैरह आते हैं वो कितने टाइम के लिए रहते हैं, बहुत मिनिमम, क्योंकि आज के टाइम किसी के पास भी टाइम है जो कि बहुत कम रहता है। तो वो लोग अगर ज़रूरी काम होता तो वो 15 या 20 मिनट के लिए आते हैं और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ड्राइंग रूम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ड्राइंग रूम को अंदर आप कैसा चेंज कर सकते हो, तो देखिए दोस्तों कुछ दो चीज़ें हैं जो कि आपको ड्राइंग रूम के अंदर नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो है टीवी। आप ड्राइंग रूम के अंदर मतलब टीवी वगैरह ना लगाएं तो सबसे अच्छा है। अब क्या होता है कि आप कहीं भी देख लो, अगर जिस ड्राइंग रूम के अंदर टीवी है, मेरा खास अनुभव है इस चीज़ के बारे में। अब मान लो कि टीवी, मेहमान बैठे हैं और आप ही बैठे हो अपने घर के अंदर और टीवी ऑन है, तो क्या होगा कि आप 2 मिनट बात करोगे और उसके बाद में आप भी टीवी देखने लग जाओगे और जो मेहमान आए वो भी टीवी देखने लग जाएंगे। तो इससे क्या कि जो ज़रूरी काम के लिए जो मेहमान आया है सिर्फ उतनी ही हम बात करते हैं और बाकी टीवी पे ज़्यादा फोकस हो जाता है हमारा। एक तो वैसे भी हमारे पास अभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है, काम होता है तभी आते हैं, और फिर हम लोग उसी के अंदर टीवी वगैरह लगा देते हैं, तो फिर वो क्या है कि टीवी के अंदर ज़्यादा फोकस हो जाता है और सिर्फ ज़रूरी काम के ऊपर ही हमारी बात होती है और हम उसको ज़्यादा डिटेल के अंदर वो भी बात नहीं करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल के अंदर ज़्यादा जान पहचान बढ़ाने के लिए, उनका सुख दुख पूछने के लिए आप ये ध्यान रखें कि टीवी ड्राइंग रूम के अंदर ना लगाएं। और दूसरी चीज़ है कि बेड ड्राइंग रूम के अंदर। आप मान लो कि आपने मकान बनाया, ड्राइंग रूम भी बनाया और ड्राइंग रूम बहुत बड़ा बनाया आपने, बेड की उसमें जगह भी दी है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप ड्राइंग रूम के अंदर बेड ना लगाएं। और ड्राइंग रूम जितना छोटा है, 12x12 से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन 12x12 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए आपका जो भी मेहमान आता है तो घर के अंदर तो वो जाता नहीं है, वो ड्राइंग रूम के अंदर आके बैठता है। तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जो ड्राइंग रूम अगर छोटा होता है तो हमें उसे सजावट करने में कम पैसा खर्चा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके अंदर इतना ज़्यादा कलर वगैरह लगेगा, उतना ही फिनिशिंग करना पड़ेगा, उतना ही इंटीरियर डिज़ाइन करना होगा, तो पैसे का ज़्यादा भी वेस्टेज होता है। तो आप ड्राइंग रूम को छोटा रखिए, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ बैठाना मेहमानों को और वहाँ से वापस जाना है, ठीक है, तो इतना ही काम करना है। तो उसको हमें अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी मेहमान आता है वो आपको बेडरूम के जाके चेक नहीं करेगा, वो आपके ना भी घर के किचन के अंदर जाके चेक करेगा घर कैसा बना है, वो सीधा आता है ड्राइंग रूम के अंदर। तो ड्राइंग रूम हमारा सुंदर होता है ना, तो वो बंदा मतलब अपना आप बोलता है कि यार कितना अच्छा मकान बनाया। तो जितना छोटा होगा तो उतनी कम लागत के अंदर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर ड्राइंग रूम को बना सकते हैं। अब ड्राइंग रूम के अंदर बेड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पर हमें सिर्फ सोफे लगाने हैं, बेड किसी को सोना नहीं है वहाँ पर। तो आप जितना ज़्यादा सोफे लगाओगे तो उतना ही वो जो हमारा ड्राइंग रूम है उतना ही खुलेगा और इतना ही सुंदर दिखेगा। और फिर क्या है कि ड्राइंग रूम को हमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट बनाना, कलर से ले लो, फर्नीचर से ले लो, ताकि जो भी बंदा है ना एक बार उसके मुंह से ये जरूर निकले वाह क्या घर बनाया। बाकी बेडरूम वो जाके चेक नहीं करेगा आपकी बेडरूम में बेड कैसा लगे, आपने गिद्दा कैसे डाला है, मार्बल कैसा है, वो कोई चेक नहीं करेगा। वो ड्राइंग रूम तक आ रहा है तो वो सिर्फ ड्राइंग रूम को चेक देखेगा और वहीं से निकल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए ड्राइंग रूम को जितना ज़्यादा हो सके आप उसको सुंदर बनाएं, और ताकि आपका एक अच्छा उसके ऊपर प्रभाव रहे कि भाई मकान बहुत अच्छा बनाया।
तो बस यही कहना चाहता था कि ड्राइंग रूम आज के टाइम बहुत जरूरी है, तो आप भी ड्राइंग रूम जरूर बनाएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जो पास वाली बेल आइकन है तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।